क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बेतू का बयान, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड, अशोक चौधरी। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे 2 अप्रैल को नवादा दौरे पर, दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण। नालंदा में सामान्य बैठक का आयोजन, बैठक में विकास को लेकर की गई चर्चा। रोहतास में आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को किया संबोधित, अब्दुल कयूम अंसारी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वैशाली में भाजपा विधायक के खिलाफ आक्रोश मार्च, अखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन। आसमानी और आप देख रहे देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय सतमंगत सत्संग में लगभग 5 लाख से ज्यादा सत्संग प्रेमी के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च को हो चुकी है और 20 मार्च तक ये समाप्त हो जाएगा। इस अखिल भारतीय संतमत सत्संग में विदेश से भी सत्संग प्रेमी भाग लेने पहुंच गए हैं। इनके खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं भी की गई है, वही सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात है। खबर वैशाली से है, जहां भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश मार्च निकाला है। इसको लेकर प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आप सभी को मालूम है कि विधानसभा के बाहर पातेपुर के बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान लालू यादव, राबड़ी जी और तेजस्वी जी पर अभद्र भाषा का व्यवहार किया, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के कोख से पैदा लिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। और इस तरह से कोई भी आदमी जिसके अंदर इंसानियत बाकी हो, वो इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिस तरह से उन्होंने हमारे नेता के ऊपर जो है सो वार किया है। रोहतास में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद के लोग फिर से बिहार में अपहरण उद्योग को शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन उनके रहते ये संभव नहीं है। उन्होंने अब्दुल कयूम अंसारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथियों ने तय किया है कि हम तमाम तरह की परेशानियां आएगी, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौट लेंगे। और यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए, यही मिशन लेकर हम आपके बीच आए। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था, सामान्य तौर पे जिस तरह से लोग राजनीति करते हैं इसलिए संघर्ष करते कि किसी तरह से सत्ता में थोड़ी जगह मिल जाए,
संघर्ष सिर्फ इसलिए कि सत्ता में कोई जगह मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा तो सत्ता में था ही, लोग एमएलए एमपी एमएलसी बनने के लिए करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडागढ़ में था, जिस ठंडागढ़ में जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को नवादा दौरे पर रहेंगे और दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वहां का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बिहार में उनके दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर 2 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं और वो नवादा के हिसुआ में आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खबर नालंदा से है, जहां जिला परिषद के सभागार में एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी परिषदीय सदस्यों ने शिरकत की। इस सामान्य बैठक के दौरान 6वें राज्य वित्त आयोग मद का वित्तीय वर्ष के आवंटन पर विचार विमर्श किया गया। वहीं 5वें वित्त आयोग के मद पर भी विचार विमर्श किया गया और इस बैठक के दौरान सभी जिला परिषद सदस्यों से विकास को लेकर चर्चा भी की गई। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। सभी सदस्यों के मांग था कि जल्दी से सामान्य बैठक कराई जाए। इसी पे हमारे अध्यक्ष ने और संबंधित पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 18 तारीख को बैठक रखा जाए और इस पे विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। 15वीं वित्त और सिस्टम वित्त की योजनाओं में जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास, और साथ ही जो पैसा जिला परिषद में बचा हुआ है पूर्व का 21-22, 20-21 इन वित्तीय वर्ष की योजना पैसे को भी खर्च करने पे चर्चा हुई और इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। जिला परिषद से चापाकल का भी हुआ है, सभी सदस्य बहुत खुश हैं कि चापाकल हम लोग को कराने का आदेश मिला है। नालंदा में भीम चौपाल सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बेहद ही बेतुका बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों की भावनाओं को भड़काती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो हिंदू और मुसलमान पर वो ले आती है। देश में मुसलमान विदेश से नहीं आए हैं, ये हमारे ही देश के दलित वंचित समुदाय के लोग हैं और भारत में 90% मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान है। ये लंदन अमेरिका से नहीं आए हैं और ये सभी कन्वर्टेड मुसलमान भारत के ही हैं। रमजान में पढ़ा जाता है, उसका प्रोविजन है, उसको पढ़ने का समय पता है, नया चीज थोड़ी किया जाता है। सालों साल से हो रहा है ये, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ 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 बोलते रहती है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। कुछ भी करिएगा तो मुसलमान के लिए क्यों कर दिया, हिंदू के लिए क्यों नहीं कर दिया। अरे लोग माइनॉरिटी में है, उनको सुरक्षित उनको सुविधा दिया जाता है, कोई प्रोविजन नया थोड़ी है, तो बहुत दिन से किया जाता है। और कोई मुसलमान हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं, ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिक बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं, ज़्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं, कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। नवादा में काफी दिन से चल रहे फरार और वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 81 वांछित अपराधियों को पकड़ा है। आपको जानकारी है कि बिहार पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। हर दिन अपराधियों को दौड़ाने का जो DGP सर का दिशा निर्देश दिया गया है उसके लेकर हम लोग प्रतिबद्ध है नवादा जिले में, और आईजी मगध सर के गाइडेंस के अनुसार हम लोग लगातार रेड छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो भी वांछित अभियुक्त हैं और जो भी वारंटी हैं उसका हम लोगों ने विलेज वाइज एक रिपोर्ट बनाया है, एक रजिस्टर बनाया है, और इस तरीके से सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो हमारे यहाँ वांछित हैं।
और उसके बाद एक स्पेशल टीम बनाकर हमारे द्वारा लगातार रेड कराया जा रहा है हर गांव में, और उस गांव में जितने भी वांछित अपराधी हैं, जितने भी वारंटी हैं, सभी के खिलाफ। इसी क्रम में कल रात में तीनों डीएसपी साहब जो हमारे हैं। बिहार में बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मुजफ्फरनगर से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने मोटी रकम के लिए अपहरण किया था। वही आगे पुलिस ने बताया कि अपहरण की सूचना मिलने पर लगातार बरामदगी को लेकर विशेष टीम बनाकर छानबीन में जुटे हुए थे। तभी पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ ही मामले में 4 अपहरणकर्ताओं को धर दबोच लिया गया है। थाना के अंतर्गत वहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा, उनके सुपुत्र हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष है, उनका नाम विवेक कुमार है। उनका अपहरण शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से एक स्कॉर्पियो के द्वारा कर लिया गया। चूँकि शुरुआती स्तर में टोटली ये ब्लाइंड केस था, और हम लोगों ने मार्केट में जो भी दुकानों में CCTV फुटेज थे उस पर काम किया, टेक्निकल जो हम लोग की सर्विलांस टीम है उस पर भी काम किया, और इसमें एक SIT पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें कांटी के थाना अध्यक्ष संजय जी और DIU टीम के प्रभारी सोजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम लगातार सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटे में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी वहाँ की भी फुटेज पर काम किया, और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला, और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला। और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने साकुशल वहां से निकाला। खबर महुआ से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि असम से अपहरण किए गए 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। बच्चों की उम्र 8 साल और 5 साल बताई जा रही है। वह अपहरणकर्ता बच्चों के परिजनों से लाखों की फिरौती की मांग कर रहे थे। जिनका उम्र जो है 8 वर्ष और 5 वर्ष है, ये तेतलिया थाना जलकुवारी गुवाहाटी के हैं। इन दोनों बच्चे 16/3/23 से ही गायब थे। पीड़ित के पिताजी ने थाना में जाकर केस किया, इस पे उन्होंने फिरौती का भी लगाया कि फिरौती के लिए अपहरण किया गया, 5 लाख की मांग की गई है, और उसमें 165/23/17/3/23 को असम में कांड दर्ज किया गया 364A में। उसके बाद उन्होंने जो अनुसंधान के क्रम में सभी आसपास के जिला को, राज्यों को सूचना मिली थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला इस पर काम कर रहा था। मुजफ्फरपुर जिला के पास जो भी सूचना थी वो वैशाली जिला को कम्युनिकेट किए जा रहे थे, तो पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इसकी जानकारी मिली और सारी सूचना उन्होंने अपने सभी थानों को सर्कुलेट किया था मैसेज में।
दहेज के लिए ना जाने कितनी विवाहिता अपनी जान गंवाएंगी और ना जाने कितनी बहन बेटियां दहेज की सूली पर चढ़ेंगी। समाज पढ़े लिखे होने का दावा तो जरूर करता है, लेकिन दहेज के चक्कर में सारे कानून तक तोड़ दिए जाते हैं। एक ऐसी ही खबर बाढ़ से सामने आई, जहां विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह पूरी हत्या प्लानिंग के साथ ससुराली जनों ने की है। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा रहे थे, किसी ने सूचना मायके वाले को दे दी। इसी दौरान सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वो मेरा चचेरी बहन है, उसको मार दिया गया है। काय के लिए? वो दहेज के चलते। उपहार जो भी हमसे जुटा हम दिया, अपना मान स्वरूप जो मिला हमसे जुट पाया वो दिया। 5 लाख नकदी था और एक चैन के कारण इसको मार दिया गया। विवाहिता की हत्या कर दी गई है और ससुराल वालों ने पूरी प्लानिंग के साथ विवाहिता की हत्या की है। दहेज के लिए मौत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई महिला दहेज की वजह से मौत के घाट उतारी जा रही है। दहेज के लोभी दहेज में जान लेने पर उतर आए हैं। वहीं आरा से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां दहेज के लालच में गर्भवती विवाहिता की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और ससुराली जन शव को घर में छोड़कर मौके से फरार हो गए और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृत विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महिला के तो साथ हम गए नहीं, पुलिस साथ गए नहीं। पुलिस लिखाई बाकी गला दबा के। आप लोग गए तो वहाँ क्या देखे? लाश पड़ रहा है। मतलब गला पर निशान उशान है? गला पर कुछ नहीं। दहेज के बारे में कुछ किए थे, ठीक लफड़ा किए थे, उसके बाद उसी में हम लोग का पता चला, मार उठ दिया तो खून भी किया तो खून भी नहीं उठाया और गया तो लाश पड़ा था, कोई घर में नहीं था। वो लोग 6 भाई था, 6 भाई का दरवाजा बंद था। आरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल होम्योपैथी डॉक्टर के किडनैप बेटे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अपहरण की घटना को अंजाम देने वालों को धर दबोचा गया है। वही पुलिस ने इस घटना में प्रयोग की गई गाड़ी को बरामद कर लिया है और पकड़े गए अपहरणकर्ताओं से पूरे घटनाक्रम के बारे में अब पूछताछ भी कर रही है। आप लोगों को बताना है कि मुजफ्फरपुर से एक लड़के, डॉक्टर के लड़के का अपहरण हुआ था और वहाँ के SSP सर ने हम लोगों को सूचित भी किया था, कुछ उनको हिंट मिला था। उसके माध्यम से जो है वहाँ की टीम स्वयं आई थी, उसकी टीम के साथ हमारी टीम के बीच समन्वय करते हुए और यहाँ पे जो भी कुछ हिंट थे उन पर काम करते हुए और जिस गाड़ी से अपहरण हुआ था वो गाड़ी बरामद की गई और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया। बिहार के आरा में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया और घायल के बाद जब उसे CHC में भर्ती कराया गया और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की हत्या करने का आरोप मृतक के परिजनों ने उसके खुद के चाचा पर ही लगाया है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। 1 साल से जमीन का विवाद चल रहा था, गांव का जमीन है वो बांटने नहीं दे रहा है, बोने नहीं दे रहा है। ब्रह्मपुर में मकान है वो कब्जा करके बैठा है। अपने ही पटीदार है? पटीदार है, चाचा लगता है। अच्छा, तो आज क्यों? आज सुबह उठ के झाड़ू उड़ू मार रहा था, उसमें वो कुछ बोला। अच्छा। ये भी कुछ बोले, उसमें जाके दौड़ के आया, रिवॉल्वर लेके आया, मार दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।